उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे माता वैष्णो देवी के थीम पर बन रहा है यहां पे गुफा, जो कि आपको हमेशा दर्शन करने के लिए गया में आपको मिलने वाला है। तो वैष्णो देवी माता का दर्शन एक गुफाओं में भी आपको होने जा रहा है, जो कि पहाड़ को डिजाइन पहाड़ों को काट कर बनाया जा रहा है। हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से इसको निर्माण किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारी मौजूदगी है फल्गुन नदी गया सीताकुंड के पहाड़ों पर। दोस्तों आपको बता दें कि इस पहाड़ पर प्राचीन भगवान बजरंगबली का मंदिर है, जो कि बहुत प्राचीन है, उसका भी दर्शन हम आपको करवाएंगे। यहाँ पे विशाल प्रतिमा जो है बजरंगबली का बनाया गया है, जो कि काफी बड़ा है, और यहाँ पर माता का प्राचीन मंदिर भी है जो कि देवी स्थान है, और उसके साथ यहाँ पे छोटे छोटे मंदिरें भी काफी हैं। इसके साथ साथ आज इस पहाड़ों पर एक और वैष्णो देवी का मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उसका भी आज आपको हम अपडेट देने वाले हैं। पहले आप इस पहाड़ी के कुछ नज़ारों को देख लीजिए, मिलते हैं। उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे माता वैष्णो देवी के थीम पर बन रहा है यहां पे गुफा, जो कि आपको हमेशा दर्शन करने के लिए गया में आपको मिलने वाला है। तो पहाड़ों को काट कर तो हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं, तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि पूरा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और किस प्रकार से बन रहा है आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहां का खूबसूरती नज़ारा बहुत अद्भुत है। यहां से फल्गुन नदी का अद्भुत नज़ारा आपको नजर आता है, रावर डैम, भगवान विष्णु की मंदिर विष्णुपद मंदिर भी यहाँ से दर्शन होता है। आप सामने हमारे देख पा रहे होंगे, तो अद्भुत नज़ारा है इस सीताकुंड के पहाड़ों पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कि बन रहा है, इसका पिलर आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से निर्माण हो रहा है और भव्य जो है यहाँ पर वैष्णो देवी का थीम पे बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको हमेशा दर्शन करने को मिलेगा, जो कि आप गया में एक पंडाल रूप में आप दर्शन कर रहे थे, जो कि काफ़ी समस्याएं और झेलने पड़ी थी, लेकिन अब आपको वैष्णो देवी माता का दर्शन एक गुफाओं में भी आपको होने जा रहा है, जो कि पहाड़ को डिजाइन पहाड़ों को काट कर बनाया जा रहा है। हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से इसको निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत भव्य बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये पहाड़ किस प्रकार से है, और इसी को पहाड़ के अंदर अंदर आप चलिए आपको हम पास कर जाकर दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से कटिंग है इस पहाड़ों का, और इस प्रकार से इसको बनाया गया है। अभी तो काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रवेश करना यहाँ पे वर्जित है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इसको ब्लॉक कर दिया गया है, और निर्माण अद्भुत किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत जल्द आप भगवान माता वैष्णो देवी का दर्शन आप गया के सीताकुंड पहाड़ों पर कर पाएंगे, तो अद्भुत है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी बनवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो कि आप पंडित जी प्रियान जी हैं, तो यहाँ पे आपका सेवा क्या है यहाँ पर? आपके यहाँ पर सेवा तो यही है कि माँ वैष्णो देवी शक्ति के सेवा होता है, सुबह शाम झाड़ू पोछा आरती पूजा। अच्छा, 2012-13 से लग रहा है। जितेंद्र जी का मेन हाथ है जी, जितेंद्र प्रसाद जी, वही है इसका मतलब करता धरता जी, समझे? वही इसका काम करवा रहे हैं टोटल। अच्छा, हम 1995 से हम लोग लगे हुए इसमें। 1995 से इसको बनवाने में लगे हुए थे? लगे हुए हैं। प्रोग्राम कब निर्माण करने का इनका विचार हुआ, 1995 से इसमें हम लोग लगे हुए हैं निर्माण करवाने में। क्या इसका सहयोग बाहर के लोग भी कर रहे हैं क्या? किस बाहर के भी लोग सहयोग कर रहे हैं, लोग यहाँ के भी लोग सहयोग कर रहे हैं, और अपने खुद पूर्ण तरह से लगाए हुए हैं। अच्छा, इतना ये लंबा गुफा बनाया जा रहा है?
की गुफा करीब करीब मिला जुला 50 फीट का स्क्वायर फीट रहेगा। 50 फीट 60 फीट का लगभग होगा। 50 फीट इसका एंट्री इधर से मतलब निकलने का रास्ता उधर से दिया। एंट्री पूरब से आएगा, इधर से घूम के पश्चिम से इसे जाएगा। अच्छा, नीचे से एंट्री होगा, उधर से एंट्री होगा, नीचे उधर से। अच्छा, नीचे जो है बनाया हुआ है गुफा का रास्ता, इधर से एंट्री होगा इधर से। हाँ, और इधर से आने के बाद इसे बाहर निकलने का इधर से, इधर से ना एंट्री, इधर एंट्री गुफा में हो के आइएगा तो मंदिर प्रवेश कीजिएगा। अच्छा, मंदिर से निकल के फिर नीचे ऐसे जाइएगा। अच्छा, निकलना उधर से ही। हाँ, फिर रास्ता बनेगा इधर से को। अच्छा, निकलने का मतलब सुविधा जिधर होगा उधर निकाल दिया जाएगा, एक रास्ता से। यहाँ पे माता वैष्णो देवी यहाँ पे विराजमान होंगी, यहाँ पे गया में भी लोग दर्शन कर पाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा खबर। और चाची जी भी बहुत यहाँ पे मेहनत, आपका नाम क्या हुआ चाची? विजिंद्री। विजिंद्री, अच्छा, बहुत अच्छा। और इन्होंने बहुत सेवा किया है और आज इनके सेवा से, माँ के सेवा कर रहा है। अच्छा, सेवा से देखिए किस प्रकार से यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो अद्भुत यहाँ पर जो है माता वैष्णो देवी का दर्शन आप कर पाएंगे गुफाओं में, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो आपको हम दिखाते हैं एंट्री किधर से करना है और किस प्रकार से इसका निर्माण, निर्माण जब तक होगा तो ही आपको समझ में आएगा कि इसका खूबसूरती, इसका मतलब कि मंदिर का निर्माण आपको समझ में आएगा। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि किधर से आना है और कैसे निकलना है और कैसे जाना है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर भी एक अद्भुत यहाँ पर मंदिर तैयार किया जा रहा है। ये गया शहर का कुछ खूबसूरत सा ये व्यू। और इधर से देखिए, इधर से जैसे कि बता रहे थे इधर से आने का रास्ता रहेगा। और इधर जो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से निर्माण का इसका चल रहा है, बहुत अद्भुत यहाँ पर जो है गुफा तैयार होगा और यहाँ पे माता विराजमान होंगे और हम लोग यहाँ पे गया में ही माता का, वैष्णो देवी माता का दर्शन कर पाएंगे। तो अद्भुत है दोस्तों, और कोशिश करेंगे जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिएगा, देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर असम बहुत खूबसूरत एक मंदिर का निर्माण, तो बहुत अद्भुत है। तो दोस्तों आपने देखा, आपको हम दर्शन करवाएं, आपको अपडेट दिए कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी का जो गुफा तैयार हो रहा है तो गया में भी आप माता वैष्णो देवी का दर्शन कर पाएंगे। तो अद्भुत एक रूप दिया जा रहा है, अद्भुत गुफा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों जिस प्रकार से फल्गु नदी की बात सुनते हैं तो फल्गु नदी भी कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा वीरान सूखा सा नज़र आ रहा है। तो ये फल्गु नदी का ये अपना गुण है, जो हमेशा पानी कितना भी इसमें डाला जाए ये सूख ही जाएगा, कितना भी यहाँ पे डैम बनाया जाए पर यहाँ पर पानी नहीं ठहरेगा। तो ये गुण है गया का और ये रहस्य है जो कि समझना असंभव है। और मैं बता दूँ कि बहुत जल्द आपको हम अपडेट देंगे माता वैष्णो देवी का, जो वो गुफा मंदिर तैयार हो जाएगा उसका मैं बहुत जल्द आपको अपडेट देंगे। लेकिन आज का वीडियो यही था कि आपको हम जानकारी देने वाले थे गया में भी आप माता वैष्णो देवी का दर्शन कर पाएंगे गुफा में। तो दोस्तों माता वैष्णो देवी का गुफा दर्शन करने के लिए आपको माँ सीताकुंड, गया के सीताकुंड, फल्गु नदी के किनारे नागकुट पर्वत पर। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।